I want to ask you, what is the common thing between these revivers? Influence, writing, नॉलेज, तीन चीजें हैं जो रिवाइवर्स के बराबर इनमें कॉमन है, उनका असर, उनकी किताबें, उनका नॉलेज। शाहुल इस्लाम के असर का यह आलम है कि मेरे नॉलेज के मुताबिक 30 ममालिक में इनके लश्कर जो है वो नशर होते हैं। और इलम का यह आलम है कि अभी जैसे काजी साहब कह रहे थे 6000 लेक्चर नहीं, 6000 टॉपिक हैं लेक्चर में। देयर माइट डिफरेंस बिटवीन लेक्चर एंड टॉपिक। लेक्चर 6000 मैं भी दे सकता हूं, 100 तो रमजान में मैं देता हूं। लेक्चर 6000 नहीं, टॉपिक 6000 हैं। 6000 टॉपिक्स के ऊपर, मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर लेक्चर दिया और 1000 से ज्यादा किताबें जो हैं वो ये लिख चुके हैं। मैं इनके बारे में क्या तारुफ करवाऊंगा? तारुफ तो वो करवा सकता है कि जिसका नॉलेज उससे ज्यादा हो। मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि मैं क्या जानता हूं। मैं जामिया नईमिया से फारिग हूं, इसलिए मुझे सारा ह्यूस्टन नईमी के नाम से जानता है। जामिया नईमिया में जियाउल हक ने काजी कोर्स शुरू किया था, उसमें पाकिस्तान के जज और पाकिस्तान के वकला जो हैं वो पढ़ा करते थे, तो उनमें जो लेक्चर दिया करते थे उनमें से एक शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। ये जामिया नईमिया में पहला मेरा इनका तारुफ। उससे पहले 1984 के अंदर मैं पहला हूं जो मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी साहब ने जब स्कूल शुरू किया तो मैंने मैट्रिक पढ़ा, तीसरी से छोड़ के डायरेक्ट मैट्रिक पढ़ने के लिए दाखिल हो गए। और मैट्रिक क्यों किया मैं आज आपको बताता हूं। ताहिरुल कादरी साहब ने तब अदारा खोला था मॉडल टाउन में, तो कंडीशन यह थी कि जो फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक करेगा उसको दाखला मिलेगा। अब हम लोगों को याद नहीं ना अलजबरा ना इंग्लिश, अलजबरा की 10 सारी मशकें जुबानी याद कर दी, जवाब सही आता था, यह नहीं पता चलता था आया कैसे है, आज आता था जवाब कि फर्स्ट डिवीजन लेंगे तो ताहिरुल कादरी साहब के मदरसे में दाखला मिलेगा। दाखला लेने गए, लेकिन चूंकि जामिया नईमिया में ही वहीं करीब ही रहते थे, वहीं पैदा हुआ मैं, तो वो मजबूरी की वजह से मुफ्ती साहब और डॉक्टर सरफराज साहब से ही पढ़ता रहा। उसके बाद डॉक्टर साहब तशरीफ लाए, जब आप देखें कि इन्फ्लुएंस कितना है। गड़ी शो में जब इनकी कार रुकी 1984 के करीब, 80s अर्ली की बात कर रहा हूं, लोग गाड़ी के टायर को हाथ लगा के हाथ चूमते थे कि इस शख्स से मिलना तो बड़ा दूर है कि चलो इनकी गाड़ी के टायर को हाथ लग गया, यह हमारे लिए सादत की बात है। तो यह असर है इनका। और नॉलेज, ही कैन स्पीक फ्रीक्वेंटली अरबिक, इंग्लिश, पर्शियन, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तमाम जुबानें। ये इलम खुदा ताला ने इतना दिया। और जिस टॉपिक पे बोलते हैं फिर यूं ही समझो कि जैसे बस समंदर जो है वो मानी का बहा दिया है। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लेना, मैं ही सिर्फ ये जुमले नहीं कह रहा, ये जुमले बेनजीर भुट्टो जब लंदन के अंदर डॉक्टर साहब के अदारे में गई तो बेनजीर भुट्टो ने इनकी तकरीर सुनने के बाद, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो सेड आफ्टर हियरिंग हिज लेक्चर, कि मैं फखर करती हूं इनको सुनने के बाद, मैं फखर करती हूं कि मैं इस्लाम जैसे मजहब की फॉलोअर हूं। और ये यूसुफ रजा गिलानी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर, इनकी बर्थडे के ऊपर उसने ये जुमला बोला था कि ऐसा शख्स हिस्ट्री में कभी पैदा कम ही हुआ है और खुदा ने जो इसे इल्म अता किया है वो किसी शख्स को कम ही मिलता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता, आप इनकी ज्यारत कीजिए। लुक एट द फेस ऑफ आलिम दीन इज सवाब, लुकिंग एट द फेस ऑफ मदर एंड फादर इज सवाब, लुकिंग इन टू द समसम इज अ सवाब। सवाब भी लीजिए और सुनिए भी। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।